खास आयोजन किए गए हैं और वहीं द्रास के वॉर मेमोरियल समेत कई जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को नमन किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, थल सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को जाकर के श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों के आगे सिर झुकाता हूं जिन्होंने अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी और उनके वीर बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। गौरतलब है कि 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ करके भारतीय जमीन से बाहर कर दिया था। हर साल वीर सैनिकों की कुर्बानी और हमारी जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय नाम के इस मिशन में 530 भारतीय वीर सपूतों ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे।